तो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। ये है ओप्पो इंको बर्ड्स 2 जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अभी वायरल भी है और इसका जो डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट इसमें मिलता है। तो क्या ये डॉल्बी एटमोस का जो सपोर्ट है दोस्तों, क्या ये रियल है या फिर ये फेक सिर्फ सिंबल दिया गया है बेचने के लिए, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया है और इसके डॉल्बी एटम को मैंने देखा है कि क्या ये रियली वर्क करता है या फिर नहीं। अपना तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा जिसके साथ जो मेरे साथ हुआ फर्स्ट टाइम खोलने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ये डॉल्बी एटमोस सपोर्ट करता है या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों इसका जो बॉक्स है उसमें कहीं पर भी डॉल्बी एटम्स का सिंबल नहीं है, जो लोगो होता है डॉल्बी एटम्स का वो नहीं है। तो इसका मतलब थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि ये सपोर्ट करता भी है या फिर सिर्फ फेक दिया गया है फ्लिपकार्ट पे। तो आप बॉक्स चेक कर सकते हो, बॉक्स में कहीं पर भी डॉल्बी एटमोस का जो है सिंबल नहीं दिया गया है, लोगो जो है नहीं दिया गया है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पहले बता देता हूँ कि मैंने इसे फर्स्ट टाइम जब खोला था तो क्या मुझे एक्सपीरियंस हुआ था। दोस्तों सबसे पहले जब मैंने इसको खोला था तो मैंने सबसे पहले इसका डॉल्बी एटम्स को ही चेक करने की कोशिश मैंने किया था, क्योंकि दोस्तों मेरे फ़ोन में डॉल्बी एटम्स का सपोर्ट है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि यहाँ पर आप डॉल्बी एटमोस का अगर आप लेना चाहते हो, और अगर आप इसलिए ले रहे हो कि आपको इसका जो डॉल्बी एटम्स है उसको वो चाहिए आपको, तो दोस्तों आपको एक बात बता दूँ कि आपके फ़ोन में डॉल्बी एटम्स का सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में डॉल्बी एटम्स का सपोर्ट है तभी ये यहाँ पर वर्क करेगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। तो जब मैंने इसको ऑन निकाला तो सबसे पहले मैं डॉल्बी एटम्स का ही चेक करने में बैठा था। तो वहाँ पर मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको एक्सपीरियंस किया डॉल्बी एटम्स को लगा कर, उस टाइम में दोस्तों बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया, क्योंकि उस टाइम दोस्तों डॉल्बी एटम्स का जो मैंने सोचा था कि कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी सब कुछ सिमिलर लग रहा था, बल्कि दोस्तों कान में आवाज़ जो है थोड़ा सा लग रहा था जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको जब ऑन करके सुना मैंने इससे म्यूज़िक, तो उस टाइम तो सर दोस्तों नॉर्मली था। लेकिन बाद में दोस्तों मुझे पता चला कि इसमें दोस्तों आपको डॉल्बी एटम में जा करके ऑन करके उसके अंदर आपको सेटिंग में साउंड इफ़ेक्ट का सेटिंग मिलेगा। वहाँ पर जा करके जब आप उसके साउंड इफ़ेक्ट में जा करके अगर आप उसको दोस्तों आप अपने साउंड का जो बेस है, जो भी लिरिक्स है, वोकल्स है, ओरिजिनल साउंड है, उसको दोस्तों आप चेंज कर सकते हो, जिससे कि दोस्तों आपका जो डॉल्बी एटम है दोस्तों वो और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो पाए। मतलब कि दोस्तों इसमें डॉल्बी एटम्स का सपोर्ट दोस्तों वो अंदर है, बॉक्स पर तो कहीं पर भी आपको इसका लोगो नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर में दोस्तों ये आपको एक्सपीरियंस कराएगा। और जब फर्स्ट टाइम इसको मैंने जब सुना था तो बहुत ज़्यादा कान में लग रहा था, लेकिन मैंने जब डॉल्बी एटम्स का जो साउंड इफ़ेक्ट है उसको मैंने जब ऑन किया अपने फ़ोन से, तब दोस्तों वहाँ पर मुझे अच्छा साउंड आया, तब मुझे अच्छा लगा कि दोस्तों हाँ इट्स वर्किंग। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन में डॉल्बी एटम्स का सपोर्ट होना चाहिए, तभी दोस्तों ये वर्क करेगा। इसका एक ऐप भी आता है जो कि दोस्तों हेलो मिलोडी ऐप है, जो कि दोस्तों वहाँ से जाकर के आप इसका बूस्ट, वहाँ पर तीन आपको ऑप्शन मिलेगा, एक बेस बूस्टर, एक वोकल्स का और एक ओरिजिनल साउंड का, तो आप तीनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप वोकल पे सेलेक्ट करते हो तो आपको सिर्फ जो क्लियर वोकल्स है वो आपको मिल, अगर आप बेस बूस्ट पे सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पर उसका जो बेस है दोस्तों वो आपको बहुत ही स्ट्रांग मिलेगा, आपको बहुत अच्छा बेस मिलेगा वहाँ। ओवरऑल दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो डॉल्बी एटम्स है बहुत हद तक सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको निकाल के देगा। अगर आप इसका साउंड टेस्टिंग देखना चाहते हो तो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में इसका साउंड टेस्टिंग और डॉल्बी एटम्स को मैंने दिखाया है, जो कि दोस्तों आप वहां पर से अपना साउंड का जो एक एक्सपीरियंस कवर कर सकते हो और आप समझ सकते हो इसका एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। साउंड टेस्टिंग वाले वीडियो को देखना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर के वीडियो को देख लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। कोई भी कंफ्यूजन है इसके रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो के रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हो, मैं पूरा पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा और होगा तो वीडियो भी मैं कर दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।